सिस्टम से लिम्फ कहाँ से आ रहा है? आपकी लेग्स में से आ रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, मिल्किंग एक्शन से आ रहा है, और ये जुगलर और सबक्लेमियन मेन में आखिर में आके ड्रेन हो जाता है। अच्छा, जो लिम्फ आगे बढ़ जाएगा स्केलेटल मसल में भी वो वापस नहीं जाएगा बिकॉज वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन में जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो प्रेशर जो है वो आपको थोरेक्स में ज्यादा हो जाएगा और एब्डोमिन, तो क्या चांसेस हैं कि लिम्फ वापस टर्न कर जाए? तो वेल्व्स की वजह से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाता है यहाँ भी। पेज नंबर है 836 टॉर्टोरा का, फिगर नंबर 22.4, ये लाजमी देख लीजिएगा, सीक्वेंस इसमें मेंशन है, जो अभी बताया है वो ही लिखा हुआ है। कंफर्म किया करें हर बात को बुक से जो भी प्रेजेंटेशन में होती है। इसमें भी यही बताया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स। अच्छा, यहाँ पे लिम्फ नोड नहीं लिखा हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा उसमें लिख दिया है, लेकिन होती हैं लिम्फ नोड जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, फिर डक्ट्स और जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगलर और सबक्लेमियन वेन, लाजमी आपने इसी तरह बताना है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो लिम्फ आ रहा है वो आपको रेस्पिरेशन वाला जो एक्शन है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वहां से आ रहा है, और सिस्टमिक जो आ रहा है वो आपको बताया है, वो जो पूरा चार्ट बताया है, फ्लो बताया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर लिम्फेटिक्स, फिर आपका लिम्फ नोड, फिर लिम्फेटिक वेसल्स आ गई, और फिर इसके बाद डक्ट्स, सॉरी ट्रंक है, फिर डक्ट्स हैं, और ये जंक्शन ऑफ जुगलर इंटरनल जुगनर और सबक्लेवियन में लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से जो लिम्फ आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन से मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वाले एक्शन, और जो मसल्स में से आ रहा है आपके हाथ पांव आपके लेग्स में से आ रहा है वो है स्केलेटल मसल की एक्शन। मतलब तीन मैकेनिज्म हो गए फ्लो ऑफ लिम्फ के। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ये पूरा जो ग्रीन हुआ हुआ है, ये थोरेसिक डक्ट लेके आ रही है लिम्फ, जो कलेक्ट कर रही है लिम्फ थोरेसिक डक्ट, ये पोर्शन है पूरा, और ये क्या है लेफ्ट साइड का है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है सिर्फ राइट आर्म फोर आर्म और राइट थोरेक्स राइट साइड ऑफ द फेस सिर्फ यहां से लाती है। याद रखिएगा थोरेसिक डक्ट जो है वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का ही दूसरा नाम है। सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है ये बॉडी में, कौन सी? थोरेसिक डक्ट। लैक्टील्स के बारे में एक दफा और सुन लीजिएगा। लैक्टील्स जो है वो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टीन में होती हैं, फैट एब्जॉर्प्शन कराती हैं। लैक्टील्स जो है लिम्फेटिक वेसल्स जो स्मॉल इंटेस्टीन में प्रेजेंट है उनका नाम है, और ये सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे नहीं करती बल्कि ये डायट्री लिपिड्स और डायट्री सोलेबल लिपिड सोलेबल वाइटामिन लेके जाती हैं। सिर्फ इनका काम है लिपिड सोलेबल वाइटामिन और डायट्री लिपिड्स या फैट्स को लेके जाना कहाँ? वेनस रिटर्न तक। और इसका जो कलर है वो मिल्किश होता है क्योंकि फैट्स की प्रेजेंस होती है यहाँ पे, इस वजह से जो कलर मिल्की होने की वजह से ये काइल नाम पड़ गया है इसका, काइल। हमने लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में पढ़ लिया है कि वन वे एक्शन होता है इनका। सब ट्रंक के बारे में पढ़ते हैं, लिम्फेटिक ट्रंक्स। हमारी बॉडी में पांच किस्म के लिम्फ या लिम्फेटिक ट्रंक हैं। अच्छा, पांच किस्म के हैं, राइट और लेफ्ट जुगलर नाम है, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंको मेडियास्टाइनल ट्रंक, राइट और लेफ्ट लंबर, और फिर इसके बाद है ये एंटास्टाइनल ट्रंक। अब ये देखिए राइट और लेफ्ट जुगलर जो है वो जुगलर से लाएगा, जुगलर वेन से लेकर आएगा क्या लिम्फ। सबक्लेवियन ट्रंक जो है वो सबक्लेवियन वेन से लाएगा राइट लेफ्ट ब्रोंको मेडियास्टाइनल, ब्रोंकोमेडियास्टाइनल लाएगा थोरेसिक वॉल लंग और हार्ट से, थोरेसिक वॉल लंग एंड हार्ट से। अच्छा, लंबर, लंबर देख लें, लंबर ट्रंक ड्रेन करता है लिम्फ लोअर लोअर लिम्फ से,
पेल्विस रीजन से, पेल्विस रीजन आपको पता है, पेल्विक गिर्डल्स जहाँ होते हैं, पेल्विस रीजन हो गया आपका, किडनीज, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद है, और एब्डोमेन की वॉल से, इन जगह से लंबर लेके आ रहा है। तो ये लंबर इसीलिए नीचे बना हुआ है कि ये सारे लंबर इसलिए नाम रखा है क्योंकि लंबर कॉलम जो है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी, तो ये लंबर कॉलम के आसपास जितना एरिया है सारा कवर हो रहा है लंबर ट्रंक से। इसके बाद है आपका इंटेस्टाइनल। तो अच्छा, और इंटेस्टाइनल जो है, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रिया, स्प्लीन और लिवर से करेगा, याद रख लीजिएगा। जुगलर ट्रंक जो है वो हेड और नेक से लेकर आएगा, लिम्फ को जमा करेगा और ड्रेन करेगा, कहाँ, डक्ट में, और आगे लेके जाएगा। अच्छा, ये सारी कौन कहाँ से ड्रेन करेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आपको अभी याद नहीं हो रहा तो ये पढ़ लीजिएगा। और ट्रंक क्या होते हैं, ट्रंक ये होते हैं कि ये देखें, अब क्या है कि ये लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये आगे जाके यूनाइट होंगी, दो तीन लिम्फेटिक वेसल, तो ये ट्रंक बना लेंगी, ये ट्रंक बना लेंगी, इस वजह से ट्रंक का नाम दिया गया है। ये लार्ज होती है कंपैरेटिवली लिम्फेटिक वेसल से, दो या तीन मिलके बनती हैं। अच्छा, ये ब्लाइंड एंड होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स या कैप, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रखिएगा, ब्लाइंड एंड का मतलब ही यही है। ये देखें, ये दो जा रही हैं, ये दो कैपिलरी जा रही हैं लेकिन एक जगह से निकल रही हैं, तो ये ब्लाइंड एंड है, एंड और एक ही तरफ फ्लो करती हैं, तो और एंडोथेलियल सेल लाइनिंग होती है इसकी, सिंगल सेल लाइनिंग होती है इसलिए बहुत थिन होती हैं। तो याद रखिएगा कि ये ब्लाइंड एंड है और इसका वन वे फ्लो है सिर्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फेटिक डक्ट। दो तरह की होती हैं, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट का नाम है थोरेसिक डक्ट और ये सबसे बड़ी है और ये सबसे ज्यादा बॉडी का जो लिम्फ है ऑलमोस्ट ये लेकर आती हैं, जबकि सिर्फ ब्लू वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको राइट साइड का, थोरेक्स हो गया सिर्फ, आर्म हो गया और हेड नेक हो गया, सिर्फ यहाँ का लेकर आ रही है राइट लिम्फेटिक डक्ट। पेज नंबर 832 है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ डक्ट्स के बारे में। लिम्फेटिक ट्रंक हमने यही, मैंने यहीं से पढ़ाया था, टॉर्टोरा, पेज नंबर 832। लिम्फ जो है वो ट्रंक से पास करेगा और दो चैनल्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या दूसरा नाम है थोरेसिक डक्ट। तो थोरेसिक डक्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है और सबसे ज्यादा पूरी बॉडी का लिम्फ इसी में ही ड्रेन होता है। अच्छा, ये जो स्टार्ट होती है थोरेसिक डक्ट जो है उससे भी पहले सिस्टर्ना काइली, एक रिजर्वॉयर, एक सैक, एट द लोकेशन इसकी है लंबर, लंबर 1, L1 वर्टिब्रा, उसी के पास सिस्टर्ना काइली एक रिजर्वॉयर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, SAC, सैक, जहां पे लिम्फ जो है पहले इसमें ड्रेन होगा और फिर उसके बाद जो है जाएगा थोरेसिक डक्ट में। ये सिर्फ थोरेसिक डक्ट की बात कर रही हूँ मैं, मतलब लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की। तो ये सिस्टर्ना काइली कैसे बनता है, थोरेसिक डक्ट कैसे बनती है, लेफ्ट और राइट लंबर ट्रंक और इंटेस्टिनल ट्रंक जो है ये ज्वाइन होंगे तो थोरेसिक डक्ट बनती है। तो अब काइली के अंदर जो लिम्फ आ रहा है वो लंबर, मतलब थोरेसिक की बात हो रही है तो लेफ्ट लंबर आ गया है, राइट और लेफ्ट दोनों आ रहा है, लंबर से आता है, इंटेस्टाइनल ट्रंक से आता है, और सबक्लेवियन, जुगलर ट्रंक और मेडियास्टाइनल ट्रंक, इन सारे यहाँ से आ रहा है। जो भी आपको जो डायग्राम ये जो दिखाई है मैंने, इसके अंदर लाए कर रहे हैं ये ट्रंक, इन एरियाज में वो सब थोरेसिक डक्ट में लेकर आ रहे हैं। और फिर यहाँ से जो है वो जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगलर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन यहाँ पे ड्रेन हो रहा है, इधर ये देखिए, लेफ्ट सब जुगलर ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक, यहीं पर ही लेफ्ट इंटरनल जुगलर वेन मौजूद है और ये थोरेसिक डक्ट भी है। इसको और क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे ये रहा,
ये आपके लेफ्ट साइड हेड, नेक, चेस्ट और लेफ्ट अपर लिम्ब और पूरी बॉडी जो भी लोअर बॉडी है वहां से आता है। और यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड की बात हो रही है तो लेफ्ट इंटरनल जुगलर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पे ये जंक्शन है बना हुआ। ये दोनों, ये जुगलर है और ये सबक्लेवियन है, इसके जंक्शन पे ये ड्रेन हो रहा है। और ये थोरेसिक डक्ट है ग्रीन कलर में जो है, लिम्फ ग्रीन कलर में सारी वेसल्स लिम्फ की शो की हुई है। अच्छा, क्योंकि देखिए राइट थोरेसिक रीजन में मेजर जगहों से आ रहा है तो सारे ही ट्रंक इन्वॉल्व है तकरीबन, लेकिन लिम्फेटिक राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है इसमें सिर्फ तीन ट्रंक से आ रहा है और वो है राइट जुगलर, राइट सबक्लेवियन और राइट ब्रोंकोमेडियास्टाइनल ट्रंक से आ रहा है। अच्छा, थोरेसिक के अंदर जो है वो लेफ्ट इसी तरह से जुगलर है, लेफ्ट सबक्लेवियन है और लेफ्ट ब्रोंकोमेडियास्टाइनल है, और बाकी इंटेस्टाइनल तो राइट लिम्फेटिक में लाया नहीं करता तो वहां से आता है। और फिर ये ऑब्वियसली दिस इज सिमिलरली ये राइट जुगलर और सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पे यहाँ पे ड्रेन करता है। ये राइट सबक्लेवियन और जुगलर वेन है और ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। अच्छा, लिम्फोइड ऑर्गन्स की हमने बात की थी तो लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में आप सिर्फ ये याद रख लें कि दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फेटिक, लिम्फोइड कह दें या लिम्फेटिक कह दें एक ही बात है। अच्छा, जो प्राइमरी है, प्राइमरी वो है लिम्फेटिक ऑर्गन या लिम्फोइड ऑर्गन जिसके अंदर स्टेम सेल्स डिवाइड होते हैं। यहाँ पे जो बात लिखी है स्टेम सेल्स की, इसका मतलब है लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे जिन ऑर्गन्स में मैच्योर होंगे और अपना इम्यून या इम्यूनो कॉम्पिटेंट इम्यूनो मॉड्यूलेटरी रिस्पॉन्स शो करेंगे वो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन हो गए। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है वो है थाइमस और दूसरा है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जहां जहां भी होता है, लॉन्ग बोन्स एडल्ट की एपिफाइसिस पे होता है, फ्लैट बोन्स में होता है, और दूसरा था इन दोनों जगहों पे टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। तो टी सेल्स जो है आपकी बॉडी में हमारे जो बोन मैरो है वो मैच्योर होते हैं और अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी की वजह से, वो जो है थाइमस में होते हैं और रेड बोन मैरो यहाँ पे मैच्योर होते हैं, इसी वजह से हमने इनको प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहा गया है। ये आप डिटेल में जो है इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे याद रखें कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन जो है वो थाइमस है और थाइमस के अलावा है रेड बोन मैरो, क्योंकि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है और डिफ्रेंसिएशन या फिर ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है बनते हैं, डेवलपमेंट होती है आम अल्फाज में, इसी वजह से इनको प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में रखा गया है। इन दो जगहों पे टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन और डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो हैं या सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यूज वो हैं जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स तो शो होता है लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती है सेल्स की। यहाँ पे नॉन लिम्फो स्पेसिफिक इम्यूनिटी सेल्स हो गए या फिर लिम्फोसाइट्स जो इमेच्योर होते हैं यहाँ पे वो पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्यूल्स जिसे हम लिम्फेटिक सेल्स भी कहते हैं, तो ये होते हैं। अच्छा, इम्यून रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस होता है लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती है यहाँ से प्रोड्यूस, और यहाँ पे प्रोडक्शन या डेवलपमेंट नहीं होती है लिम्फोसाइट्स की या मैच्योर लिम्फोसाइट्स नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे बी सेल्स होते हैं लेकिन इमैच्योर होते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स का पार्ट है, तो वो सिर्फ प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में ही होते हैं लेकिन सेकेंडरी में जनरल जो इम्यूनिटी है
इनेट इम्यूनिटी वो फॉलो हो रही होती है यहाँ पे। अच्छा, लिम्फ नोड, थायमस और स्प्लीन को हम इस वजह से ऑर्गन कह रहे हैं क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू कैप्सुलेटेड है इनके चारों तरफ, इसी वजह से इनको ऑर्गन्स कहा गया है। जबकि लिम्फैटिक नोड्यूल्स जो है उनको ऑर्गन नहीं कहा गया है क्योंकि ये लैक करते हैं कैप्सूल, और इनको लिम्फैटिक, ये लिम्फैटिक सेल्स के अंदर आते हैं लिम्फैटिक नोड्यूल्स जो हैं। ये एक टिपिकल पिक्चर है, एक लिम्फ नोड इंग्वाइनल एरिया में इस तरह के होते हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर से चेक किया गया है आफ्टर ऑटोप्सी। और इनमें वेसल्स देखें, लिम्फेटिक वेसल्स कैसे निकल रही हैं। लिम्फ नोड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसके अंदर WBCs होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर कुछ कैंसर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो डिपेंड करता है बिनाइन, अगर कैंसर सेल्स हैं तो ये जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है इनकी। देयर इज अ डिफरेंस बेट, लेकिन ये पेज नंबर है 840 और यहाँ पे क्लिनिकल कनेक्शन है कैंसर से लिम्फ नोड्स का या लिम्फैटिक सिस्टम से। तो मेटास्टेसिस एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि स्प्रेड कर जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर या मेलिग्नेंट सेल्स जो हैं जिनके अंदर टेंडेंसी है बॉडी में स्प्रेड कर जाने की। आपको पता है कैंसर के अंदर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, इम्यूनिटी आपके खिलाफ अगेंस्ट योर ओन सेल्स, आपके अपने ही सेल्स खत्म होते हैं वो डेवलप हो जाती है। तो मेटास्टेसिस क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वाया लिम्फेटिक वेसल्स। तो मेटास्टेसिस होता कैसे है, ये बॉडी में फैलता कैसे है कैंसर, ये लिम्फेटिक वेसल्स से स्प्रेड होता है। जितने भी मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट का जो लव्ज है इसका मतलब है दे आर हार्मफुल, दे आर नॉट बिनाइन। दो चीजें होती हैं, दो एक और वर्ड है BENIGN, बिनाइन। बिनाइन का मतलब है हार्मलेस और लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह पे रहता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कि स्प्रेड कर जाता है और ये हार्मफुल होता है और ये मेटास्टेसाइज कर जाता है। मेटास्टेसाइज का मतलब है स्प्रेड कर जाना, दूसरे ऑर्गन में चले जाना, कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे कैंसर में, दूसरे ऑर्गन में हो जाना। तो कैंसर जो सेल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं ब्लड या लिम्फ के थ्रू, ज्यादातर लिम्फ के थ्रू न्यू ट्यूमर बनाते हैं, दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं और वहां ट्यूमर बनाते हैं। जब ये मेटास्टेसिस या स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता है दूसरी सेकेंडरी ट्यूमर साइट, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी थी उसके अलावा दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, दूसरे जब ऑर्गन में जाता है वहां पे ट्यूमर बनाता है, तो ये लिम्फ की डायरेक्शन में होता है फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर साइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि लिम्फ का फ्लो आपको पता है किस तरफ है, लिम्फ का फ्लो जो है हार्ट की तरफ है, तो अब लिम्फ की डायरेक्शन में जो जो ऑर्गन आ रहे हैं, पहले किसी ऑर्गन में हुआ वो प्राइमरी ऑर्गन साइट है, प्राइमरी ट्यूमर साइट है, फिर उसके बाद जो दूसरा होगा ट्यूमर वो लिम्फ की डायरेक्शन में होगा जहां लिम्फ फ्लो करता है। इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, डॉक्टर्स को जो है वो सर्जिकली लिम्फ नोड्स को रिमूव कर जाना पड़ता है प्राइमरी ऑर्गन की ट्यूमर साइट पे। अगर हम वो ही रिमूव कर देंगे तो लिम्फ आगे जाएगा ही नहीं, और आगे नहीं जाएगा तो मेलिग्नेंसी, सॉरी मेटास्टेसाइज होने के चांसेस नहीं है, ट्यूमर दूसरी जगह होने के चांसेस कम होते हैं। तो कैंसर लिम्फ फ्लो फर्क क्या है, अब डॉक्टर्स आपने देखा होगा एग्जामिन करते हैं तो वो हाथ लगा के चेक करते हैं ना, आपके गर्दन में भी लिम्फ नोड होते हैं बहुत ज्यादा, आपके नेक रीजन में, इंग्वाइनल एरिया में बहुत ज्यादा लिम्फ नोड होते हैं। तो ये कैंसर लिम्फ नोड्स जो हैं ये इनलार्ज होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते बिल्कुल भी, और एक जगह पे फिक्स होते हैं, ये डिफरेंस होता है। मतलब ये जो प्रैक्टिस करते हैं रोजाना किसी पेशेंट्स के चेक करेंगे तो उन्हें महसूस हो जाता है।
लेकिन जो नॉर्मल लिम्फ नोड हैं, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ किसी को और लिम्फ नोड इनलार्ज हो गए, उसमें क्या होता है, वो सॉफ्ट होंगे, वो सॉफ्ट होंगे और वो जो हैं थोड़े से मतलब पेनफुल होंगे और मूव कर सकते हैं वो, आप उनको हिला के हाथ से मूव कर सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो ये एक क्लिनिकल कनेक्शन था मेटास्टेसिस मतलब कैंसर के स्प्रेड में लिम्फेटिक वेसल्स का क्या रोल है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने ये बताना होगा। अच्छा, लिम्फ स्प्लीन मैंने आपको बता दिया थाइमस में और बोन मैरो में, बिकॉज टी सेल्स की लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स से टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं और स्पेसिफिक इम्यूनिटी में उनका रोल है, इसी वजह से हमने थाइमस और जो रेड बोन मैरो है वो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आ गया, जबकि सेकेंडरी के अंदर एक आपने स्प्लीन भी देखा है, लिम्फ नोड हमने पढ़ लिया है, स्प्लीन, स्प्लीन तो याद रख लीजिएगा सबसे पहले लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन या टिश्यू है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन या टिश्यू है, ये स्प्लीन के पिक्चर है, जस्ट लाइक लिम्फ नोड इसमें भी हाइलस मौजूद होता है और ये आपको पता है स्प्लीन जो है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन स्टमक और डायफ्राम के पास होती है। जो चीज आपने याद रखनी है, जो चीज इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक सिस्टम से क्या कनेक्शन है स्प्लीन का, वो ये है कि इसके जो टिश्यूज में दो तरह के पल्प होते हैं, ये है रेड पल्प, दो तरह के टिश्यू हैं, एक है व्हाइट पल्प, जो ये व्हाइट पल्प वाला पोर्शन है, ये जो व्हाइट पल्प वाला पोर्शन है इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं और इसके अंदर जो है आपके इम्यून इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं इसके अंदर, डेंड्राइटिक सेल्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट्स हैं, तो इसके अंदर जो है लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स मौजूद हैं और इसी वजह से इसका रोल है इम्यून सिस्टम में। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि व्हाइट पल्प में जो है आपके सारे इम्यून सेल्स हैं। अच्छा, जो रेड पल्प है, अच्छा ये रेड पल्प क्या होता है, दिस इज द रेड पल्प, व्हाइट पल्प में जो मैक्रोफेजेस हैं ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं, बैक्टीरिया या वायरसेस इंगल्फ करते हैं जो कि ब्लड के अंदर इंफेक्शंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, रेड बल्ब उनको वो जो फेगोसाइटोज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव कराने में हेल्प करता है रेड बल्ब। सो रिमूवल बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ रप्चर्ड डिफेक्टिव ब्लड सेल्स, इसके अलावा जो ब्लड सेल्स आपको पता है आरबीसी डिफेक्टिव होते हैं और अगर आपने ये पढ़ा है रेटिक्यूलोसाइट्स जो हैं वो इमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं, दे गोज टू द स्प्लीन, और आपको पता है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, जो आरबीसी की लाइफ हाफ लाइफ 120 डेज है, उसके बाद जो है वो स्प्लीन में डंप हो जाते हैं, वहां से रिमूव कौन कराता है, ये रेड पल्प कराता है, प्लेटलेट्स भी स्टोर होते हैं यहाँ पे और आरबीसी की प्रोडक्शन भी होती है वैसे ब्लड सेल्स की, मतलब लेकिन वो ह्यूमन एडल्ट्स में नहीं होती, छोटे बच्चों में, फीटस फीटल लाइफ मतलब इन प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है। इसी वजह से जिन लोगों की स्प्लीन हम रिमूव कर देते हैं या स्प्लेनेक्टोमी हो जाती है किसी भी वजह से, वो उनको बहुत ज्यादा चांसेस हैं सेप्सिस होने के, सेप्सिस क्या है, ब्लड इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, MIA लगा होता है, मतलब इसका सेप्सिस जो ब्लड में डेवलप हो जाए, क्योंकि फिल्टर और फेगोसाइटोसिस फंक्शन जो है वो स्प्लीन के खत्म हो जाते हैं, स्प्लीन नहीं होगी तो इम्यून के फंक्शन भी कम हो जाएंगे, तो चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं सेप्सिस होने के बॉडी के अंदर। लिम्फैटिक नोड्यूल्स क्या हैं, लिम्फैटिक नोड्यूल्स जो हैं ये लिम्फैटिक फॉलिकल्स कह दें आप इनको बेसिकली, या लिम्फैटिक सेल्स में भी आते हैं, ये लिम्फैटिक नोड्यूल्स जो हैं ये ऑर्गन लिम्फैटिक टिश्यू या लिम्फैटिक ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इनके चारों तरफ कोई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नहीं बनाया हुआ, कैप्सूल नहीं बनाया हुआ, इसका दूसरा नाम है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फैटिक टिश्यू माल्ट,
क्योंकि ये म्यूकोजा जो है वो इस तरह से डेवलप हुई है और इसके फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम में आ गए हैं, इम्यून सिस्टम का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहा गया है, माल्ट। सिर्फ इनके नेम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, और टॉन्सिल्स आपको पता है जब बहुत इनलार्ज हो जाते हैं तो हमें रिमूव करने पड़ जाते हैं, और वो हमें रिमूव करने पड़ जाते हैं जो हम खाना खाते हैं तो, और अगर कोई ऐसी चीज़ खा लें मेजरली तो हमारे स्टमक में चली जाती है और स्टमक में एसिड होता है तो वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारी ओरल कैविटी है, इसमें जो लाइनिंग है म्यूकोजल लाइनिंग, कोई चीज़ कोई पार्टिकल फॉरेन अगर वहाँ पे हमने मतलब स्टक हो गया है और हमने इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, स्वॉलो कर लिया या इनहेल कर लिया, तो वो फेरिंग्स फेरेंजियल टॉन्सिल बन जाते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स ये इनलार्ज हो जाएंगे, स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नोड्स, लिम्फ नोड हैं, वो इनलार्ज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स शो करते हैं, इम्यून रिएक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। अच्छा, ये सारे आपके म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू है माल्ट। इसके अलावा पियर्स पैचेस, PEYERS, PATECHES, ये जो लिखा हुआ है पियर्स पैचेस, ये भी लिम्फेटिक नोड्यूल्स का पार्ट है। बस आपने ये, और ये कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन में जो है फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इम्यूनिटी में इसका रोल है, दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। आपको कोई भी सवाल हो रिलेटेड गूगल क्लास में आप पूछ सकते हैं, पर्सनल भी पूछ सकते हैं।